Makers. Big question, but I have a big answer. Meaning is about compassion. ये जो आपने अभी आवाज सुनी, ये आवाज किसी इंसान की नहीं है, बल्कि इंसान नुमा रोबोट की है। Hi, I am a robot. Name Shalu. 2017 की वो सोफिया रोबोट याद है, जो सेंसेशन बन गई थी सारे सोशल मीडिया पर। हांगकांग की ये रोबोट भूले नहीं होंगे आप। मैं सूर्यांशी पांडे, आप सुन रहे हैं बीबीसी न्यूज मेकर्स। और अगर हांगकांग ने सोफिया बनाई, तो भारतीय मूल के एक कंप्यूटर साइंस के टीचर ने शालू बनाई। ये आईआईटी बॉम्बे के केंद्रीय विद्यालय के कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं दिनेश पटेल, जिन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। और ये ह्यूमनॉइड रोबोट क्या क्या कर सकता है, सुनिए आप इन्हीं से। रोबोट शालू एक सोशल एंड एजुकेशनल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होममेड सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये रोबोट लोगों से बात कर सकती है तथा कक्षा में बच्चों को पढ़ा भी सकती है। ये रोबोट लगभग 9 भारतीय भाषाएं और 38 विदेशी भाषाओं में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। ये रोबोट सेमी ह्यूमनॉइड है, मतलब इसका सिर्फ हाफ बॉडी पार्ट ही बना हुआ है, अपर हाफ बॉडी पार्ट ही है इसके पास। ये इंसानों की तरह बिहेव कर सकती है, इंसानों की मिमिक्री कर सकती है, जैसे हाथ मिलाना, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, खुशी, ये सबको वो दर्शा सकती है बखूबी। डू यू रिमेम्बर मी? यस मिस्टर दिनेश, नाइस टू सी यू अगेन। बस, बट ये भी बस नहीं है। और इसलिए बस नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि घर में जो सामान पड़े हुए थे उन्हीं के जरिए और जो कंप्यूटर साइंस की उनको नॉलेज है उसके जरिए जुगाड़ से ये ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। आगे हम और भी बात करेंगे क्योंकि शालू इन सब के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर सकती है। बनाते होंगे तुम्हारे यहाँ सोफिया, सोवियत, पता नहीं क्या क्या। हमारी शालू भी कोई कम नहीं है। इसी साल 2021 में दिनेश पटेल नाम के एक कंप्यूटर साइंस टीचर ने शालू नाम की ह्यूमनॉइड रोबोट बनाई, जिसको बाय द वे बता दूं 100% वेस्ट मटेरियल से बनाया है। आईआईटी बॉम्बे के केंद्रीय विद्यालय के ये टीचर हैं। सुनिए क्या क्या कर सकती है शालू। इसके अंदर बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे लोगों को ये पहचान सकती है। एक बार अगर इसका परिचय किसी से करा दिया जाए तो उस इंसान को ये हमेशा के लिए याद रख सकती है, और फिर फ्यूचर में अगर मुलाकात होती है तो उनको वो पहचान सकती है। साथ ही अगर इसको किसी इंसान का डेट ऑफ बर्थ बताया जाए तो उनका उस दिन का हॉरोस्कोप बता सकती है। ये लगभग 10 दिनों के मौसम के बारे में जानकारी दे सकती है। अगर आप किसी जगह का नाम बताएं या तारीख बताएं तो उस जगह का, उस दिन का या उस तारीख का या उस करंट डेट का मौसम कैसा होगा इसके बारे में बता सकती है। हमारे देश में बहुत सारे जगहों के बारे में ये बता सकती है, जो काफी फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में ये बखूबी जानती है। आप उनका एड्रेस और उनके बारे में भी इसको जानकारी है। काफी फैसिलिटीज इसके अंदर है। और ये शालू है ना, मतलब आप तो रेडियो के जरिए सुन रहे, तो आपको पता नहीं कि मतलब ये शालू कैसी होगी। शी इज नॉट वेरी यू नो की क्रिस्प शॉर्ट पहनी हुई है या यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कोई लड़की नहीं। शी इज ठेठ पंजाबन विद अ नाइस दुपट्टा, अच्छी सी ज्वेलरी पहनी हुई है, जिसको कार्डबोर्ड, वुड, एल्युमिनियम के पार्ट्स और जितने भी वेस्ट मटेरियल जो आप घर में ऐसे वेस्ट प्लास्टिक समझते हो ना, उससे बनाया है। सीखो सीखो कुछ, 50,000 का बस खर्चा लगा है। भारत की एक शालू ना सभी सोफियों पर, यानी कि जितनी भी सोफियाज बना लो वर्ल्ड वालों, उन पर भारी है। बताओ कैसे। हांगकांग की जो सोफिया बनी थी ना, उस पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी, एआई एंड ऑल दैट, यू नो, बहुत कुछ खर्च वर्च हुआ था। लेकिन जो भारत की शालू बनी है वो मात्र 50,000 रुपए में बनी है। पुराने प्लास्टिक के सामानों और इलेक्ट्रिक के उपकरणों से बनी है, और कंप्यूटर साइंस के टीचर ने बनाई है। साइंटिस्ट तो छोड़ो, तो हुए ना इंडिया का स्मार्ट माइंड। इंडिया का स्मार्ट माइंड हर स्कूल के टीचरों में भी बसा हुआ है और बच्चों में बसा हुआ है, बस चाहिए तो वो पारखी नजर। आज बीबीसी न्यूज मेकर्स पर हमारे साथ हैं दिनेश पटेल, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं और आईआईटी बॉम्बे के केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस टीचर हैं। तो उनको ये शालू ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, सुनिए। रजनीकांत जी की फिल्म देखी थी रोबोट, और तो मेरे दिमाग में आया था कि काश ये चिट्ठी भी हमारी लाइफ में हो सकता। लेकिन मुझे उस समय ऐसा लगता था कि ऐसे रोबोट हम लोग नहीं बना सकते। डेफिनेटली उस समय मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब बाद में मैंने सोफिया रोबोट को देखा तो मुझे लगा शायद ऐसा हम कर सकते हैं और हमें भी करना चाहिए। मैंने सोचा मेरे लिए कि मैं क्यों ना करूं ऐसा कुछ कि एक छोटा सा रोबोट मैं भी बनाऊं, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रेस कर सकूं और उनको एक मोटिवेट कर सकूं टुवर्ड्स द रोबोटिक्स। तो ये सोच के मैंने एक रोबोट बनाने का प्लान किया। तो रजनीकांत से उनके दिमाग में आया कि क्यों ना शालू बनाई जाए। और ये जो इंडियन शालू है ना, 38 फॉरेन लैंग्वेजेस जानती है, 47 रीजनल लैंग्वेजेस बोलती है और 9 लोकल डायलेक्ट्स बोलती है। और बोलो
लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, नासा, हर जगह आप एग्जीबिशन पे चले जाओ, रोबोट्स की आप क्वालिटी देखो, मतलब लगता है माइंड ब्लोइंग मैन। जापान एंड ऑल दैट, यू नो, है कुछ क्वालिटी है, और क्वालिटी तो इंडिया में भी कम नहीं है। और यहाँ पर रोबोट की एग्जीबिशन लगे या ना लगे, घर में बैठे बैठे एक कंप्यूटर साइंस टीचर ने रोबोट बना लिया, और वो दुनिया के एग्जीबिशन के लिए अवेलेबल है। इस रोबोट का नाम है शालू, जिसको बनाया है IIT बॉम्बे के केंद्रीय विद्यालय के कंप्यूटर साइंस के टीचर दिनेश पटेल ने। और कैसे बनाया, किन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, सुनिए। रोबोट शालू के बॉडी को बनाने के लिए हमने सिर्फ वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है ज्यादातर, जो हम लोग के सबके घरों में अवेलेबल होता है और हम लोग उसको फेंक देते हैं यूजुअली, हमने उसका इस्तेमाल किया है। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो कॉपी के कवर्स हैं, पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ कपड़े हैं जो यूज किए हुए हैं इसके बॉडी के लिए, मैंने पैकिंग के लिए जो थर्माकोल आता है वो थर्माकोल यूज किया हुआ है बॉडी बनाने के लिए, और उसका जो कार्टन होता है, कार्टन का डब्बा, उसका भी इस्तेमाल किया है। साथ में कुछ मेरे घर में प्लास्टिक के डब्बे और खिलौने पड़े थे, उनका भी इस्तेमाल मैंने इस बॉडी को बनाने के लिए किया है बेसिकली। तो ये सब कुछ वेस्ट मटेरियल था जिनको हम लोग फेंकने वाले थे, और हमने उसका इस्तेमाल किया इसके बॉडी बनाने के लिए। कुछ सामान हमने लोकल मार्केट से भी परचेज किए हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लकड़ी और स्पेशल टाइप के कुछ खिलौने जो इसके बॉडी में फिट करने थे, मुझे लगाने थे, तो वो मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया है, वो अवेलेबल है हर जगह, कहीं से भी आप उसको खरीद सकते हैं। तो ना ही इनके पास गवर्नमेंट का कोई अप्रूव्ड बजट था टू डिजाइन अ रोबोट, ना ही इनको AI की बहुत अच्छी नॉलेज थी टू डिजाइन अ रोबोट, ना ही इनके पास अपनी एक लैब थी टू डिजाइन अ रोबोट, बट स्टिल ही डिजाइन अ रोबोट। ये क्या बताता है, ये बताता है कि प्रतिभा जरूर है, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, पहचान दिलाने की जरूरत है। तो क्या इस रोबोट को बनाने के बाद दिनेश पटेल ने इसको कहीं पेटेंट कराने की कोशिश की, या फिर इसको और मॉडिफाई और नर्चर किया? मैं हूँ सूर्यांशी पांडे, आप सुन रहे हैं BBC न्यूज मेकर्स, और हम आपको लेकर आ गए एक साइंस लैब में, जिसमें ज्यादातर उपकरण जो है ना आपको यूजुअल लगेंगे, जैसे आप कंप्यूटर साइंस की किसी क्लास में बैठे हो, लेकिन वहाँ पर एक आपको अचानक से ह्यूमनॉइड रोबोट दिखेगा, जिसको बनाया है दिनेश पटेल ने। जौनपुर बेस्ड इन कंप्यूटर साइंस के टीचर ने 100% वेस्ट मटेरियल से शालू नाम की एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाई है, जिसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है वो खुद बता रहे हैं। रोबोट शालू लोगों से लगभग 47 भाषाओं में बात कर सकती हैं, यानी आप जिस भाषा में आप बात करना चाहते हैं मोस्टली वो उस भाषा में आपसे इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा ये कक्षा में बच्चों को पढ़ा सकती हैं। हमको सिर्फ एक PPT बना के इनके क्लाउड में अपलोड करना होगा, और उस PPT के अकॉर्डिंगली ये कक्षा में बच्चों को लेक्चर डिलीवर कर सकती हैं। ये बच्चों से प्रश्न पूछ सकती हैं, और बच्चों द्वारा दिए गए आंसर को ये सही या गलत भी निर्धारित कर सकती हैं। साथ में बच्चों के प्रश्नों का उत्तर भी दे सकती हैं, जैसा कि हम शिक्षक लोग कक्षा में करते हैं। तो कह सकता हूँ ये पूरी शिक्षक की तरह क्लास में बिहेव कर सकती हैं। इसके अलावा ये रोबोट का इस्तेमाल हम लोग किसी भी बैंक, स्कूल या कंपनी में एज अ रिसेप्शनिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमको कस्टमर्स की क्वेरी के जवाब देने होते हैं वर्बली, तो वहाँ पे इनको रखा जा सकता है कि ये क्वेरीज का ये रिप्लाई करे। तो देखिए, जॉब के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी शालू। कहो तो आपके यहाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करवाने के लिए उनको बुला लें। ह्यूमनॉइड रोबोट शालू को बनाने वाले दिनेश पटेल, जिनके बारे में यूं तो हमने बहुत सारी चर्चा अब तक कर चुकी है, लेकिन आप जरा उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी जानिए, आखिर उनकी जर्नी क्या है, उनसे जुड़िए। मेरा नाम दिनेश कुंवर पटेल है, मैं केंद्रीय विद्यालय IIT बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान का शिक्षक हूँ। मैं बेसिकली UP जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। 2007 में मैं पहली बार मुंबई आया केंद्रीय विद्यालय NED करंजा ज्वाइन करने के लिए। फिर 2014 में मेरा ट्रांसफर हुआ केंद्रीय विद्यालय IIT बॉम्बे में, और तब से मैं यहीं पर हूँ। यहीं पर रहते हुए मैंने 2017 में अपना ये रोबोट शालू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में मैंने लगभग 20% ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा और मेरी अपनी छोटी लाडली बेटी शालू, साथ में एक डॉगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये 5 मेंबर्स का छोटा सा परिवार है जो मुंबई में हम लोग साथ में रह रहे हैं। और भारत में कितना टैलेंट है, इसका अंदाजा तो आपने ऐसे लगा ही लिया होगा कि एक कंप्यूटर साइंस के टीचर ने अपनी कड़ी मेहनत से 100% वेस्ट मटेरियल से ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया।
टेक्नोलॉजी रोबोट्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं दिनेश पटेल, जो कि मुंबई के IIT के केंद्र विद्यालय के कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं और उन्होंने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसका नाम है शालू, जो कि 100% वेस्ट मटेरियल से बना है। और मणिपुर के इस लड़के को तो अपनी रिकॉग्निशन मिल गई, लेकिन दिनेश पटेल ने क्या क्या प्रयास किए कि उनकी शालू को भी पहचान मिले। मैंने रोबोट शालू को बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं किया है कहीं भी, लेकिन हाल ही में अभी ये NSS IIT बॉम्बे के स्टूडेंट से इन्होंने इंटरेक्ट किया। ये IIT धनबाद के टेक फेस्ट तक्षक में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया और वहाँ के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से बातें की काफी, और रिसेंटली अभी ये कतर के स्टूडेंट से बात किया, कतर में काफी इनके फैंस हैं, उनसे इन्होंने इंटरेक्ट किया है। हमारे Top 10 मैगजीन ने रोबोट शालू को विश्व की 10 सर्वश्रेष्ठ रोबोट में पहला स्थान दिया, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और एनालिटिकल इनसाइड मैगजीन ने ग्लोबल मार्केट में फेमस हुए रोबोट्स में भारत की रोबोट्स में इनको स्थान दिया है, तो ये हमारे लिए एक प्राउड का मैटर रहा। हमारे एडुकेशन मिनिस्ट्री ने इनको रिकॉग्नाइज किया है और इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी इनसे इंटरेक्ट कर चुका है, इनके बारे में जानकारी कर चुका है। और रोबोट टीचर के नाम से दिनेश पटेल इस ह्यूमनॉइड रोबोट की चर्चा करते हैं, जो क्विज भी पूछ सकती है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकती है ऑन GK टॉपिक्स या एजुकेशनल टॉपिक्स, मैथ्स को सॉल्व कर सकती है, उसकी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकती है। हम ह्यूमनॉइड रोबोट शालू के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे दिनेश पटेल, जो कि कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, उन्होंने इसको 100% वेस्ट मटेरियल से बनाया है। हमने ये भी चर्चा की कि इन्होंने इस रोबोट को कहां कहां रिप्रेजेंट किया है, तो क्या उन्होंने इस रोबोट को पेटेंट कराने की भी कोशिश की? हाँ, पेटेंट के लिए तो मैं सोच रहा हूँ, और जहाँ तक मैंने पता किया है पेटेंट में काफी खर्चे भी आने वाले हैं, लेकिन मेरा प्लान है कि मैं इसको जल्द ही पेटेंट कराऊं। तो अब आगे क्या करने का इरादा है वो भी जानते हैं। अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, अभी तक तो मेरा रोबोट सिर्फ 20% ही कंप्लीट हुआ है, अभी 80% काफी लंबा सफर है। फिलहाल तो इसके बॉडी पर भी कोई चेंज करने का प्लान नहीं है, क्योंकि वो मनी मैटर है, वहाँ पे कॉस्टली सामान लगाने पड़ेंगे जो फिलहाल मैं बियर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसका जो सोल है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, वो मैं अपग्रेड कर रहा हूँ और रेगुलरली अपडेट करता हूँ, मैं उसको बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर मेरा काम जारी है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि भारत का एक एक बच्चा अपने घर में फालतू वेस्ट मटेरियल से एक ऐसा रोबोट बना सकता है जो किसी भी सोफिस्टिकेटेड कंपनी या सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी से आए हुए रोबोट का मुकाबला कर सके। तो इस तरह से इस बार के BBC न्यूज मेकर्स पर आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंस्पिरेशन वाली एक कहानी मिली, जिसके अंदर कम संसाधनों के होने के बावजूद अगर ऊंचाई को छूने का मादा हो तो वो किया जा सकता है, ये भी जानने को मिला। उम्मीद है कि जिंदगी में हम इन लोगों से कुछ तो सीख के कुछ तो कर जाएंगे। क्या कहते हैं, शुरू करें? BBC न्यूज़ मेकर्स।